हेलो, आज की वीडियो हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A53 के बारे में। 5G मोबाइल फ्रॉम सैमसंग, ये देख सकते हैं न्यू लुक निकल कर आया सैमसंग की जानिब से। फ़ोन में काफ़ी खूबसूरत कलर्स रिलीज़ करें इस दफ़ा सैमसंग ने। ये A33 है, इसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर। ये देखें, ब्लैक, गोल्ड, ब्लू, वाइट कलर। अब हम नज़र डालते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की जानिब। ये देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A53 5G रिलीज़ करा सैमसंग ने ये 24 मार्च 2022 को। 189 ग्राम इसका वेट है, 8.1 mm ये थिक है, 12 एंड्रॉयड 12 सपोर्टेड है, 1 UI 4.0, 128 GB और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है विद एक्सपेंडेबल माइक्रो SD। 6.5 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, 4K इसमें कैमरा लगाया हुआ है 48 MP का, 4 GB और 8 GB के वेरिएंट के साथ आता है। एक्सिनस 1280 प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, 5000 mAh बैटरी है इसके अंदर, डुअल सिम सपोर्टेड है विद हाइब्रिड, IP67 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसमें 120 हर्ट्स का, 6.5 इंच की इसकी स्क्रीन है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 85:4 और पर इंच पिक्सल डेंसिटी है इसकी 405। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देख सकते हैं आप। इसके GPUs 5 नैनोमीटर का इसका प्रोसेसर है जो कि काफ़ी फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट होने वाला है। 64 MP का मेन शूटर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मोनो, 5 MP का डेप्थ सेंसर लगा, 4K वीडियो सपोर्टेड है, फुल HD भी है इसमें, 32 MP का इसके अंदर फ्रंट कैमरा होने वाला है जो कि 4K वीडियो बनाएगा। फ्रंट कैमरा भी 3.5 mm जैक इसमें नहीं होगा और इसमें 5000 mAh बैटरी है, नॉन रिमूवेबल, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कलर्स के सामने आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ब्लू, टर्कोइश, और $381 की प्राइस होने वाली, लगभग €400 जो कि पाकिस्तान में बनते हैं ऑलमोस्ट 97,000 रुपये। देख सकते हैं 1 लाख रुपए का फ़ोन, 1 लाख रुपए का, और ये सब कुछ दे रहा है सैमसंग। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, गोरिल्ला ग्लास, फ्रंट बैक ग्लास, ठीक ठाक प्रोसेसर लगाया हुआ है इसमें, एक्सिनोस का प्रोसेसर है तो बेहतर होगा वो स्नैपड्रैगन से। और ये न्यू फ़ोन आने वाला है तो इसकी अपडेट भी अगले 2 साल तक मिलती रहेंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट। मुझे ये फ़ोन मुनासिब लगा काफ़ी इस प्राइस के हिसाब से। आप क्या कहते हैं बताइएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।